Hey guys, welcome back to MotorOctane. आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा करोला ऑल्टिस 2019 के बारे में. जी हाँ दोस्तों, ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो है आपको हमारी तरफ से. बने रही हमारे साथ अंत तक. कोई भी और आप तक इस गाड़ी पे इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा चुका है इन हिंदी. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. मेरा नाम है रचित हिरानी, आप देख रहे हैं MotorOctane. दोस्तों टोयोटा करोला जो है काफ़ी सालों से बहुत स्ट्रांग प्रोडक्ट रही है और हमेशा से बेस्ट सेलर रही है अपने सेगमेंट में. सिर्फ होंडा सिविक ही एक प्रोडक्ट रहा है जिसने उसको काफ़ी हद तक खिलाया है और कुछ हद तक ह्युंडई एलांट्रा ने भी उसको अच्छी टक्कर दी है. अब इंडिया में जो करोला आई थी पहले वो फर्स्ट जनरेशन इंडियन मार्केट के लिए थी. उसके बाद ऑरिक आई जो ऑल्टिस बनी. फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टिस आई जो फिलहाल बिक रही है. एंड इसके बाद द न्यू जनरेशन ऑल्टिस इंडियन मार्केट में आने वाली है. उसे जस्ट अनवील किया गया है ग्लोबली और ये गाड़ी दिखने में बहुत ही स्टाइलिश दिखती है. अब इसके दो वर्जन्स आते हैं, एक जो रेगुलर वर्जन है जो इंडिया में भी आएगा और एक जो है जो चाइनीज मार्केट के लिए बनाया गया है लेवन. लेवन तो क्या स्टाइलिश दिखती है गाड़ी ब्रो. मुझे तो लगता है कि वो इंडियन मार्केट में लानी चाहिए अगर उन्हें चाहिए एक स्पोर्टी सेडान फॉर द इंडियन एंटायर वो सेगमेंट. क्योंकि वहाँ पे फिलहाल ऑक्टाविया इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट अगर आपको परफॉर्मेंस और स्पोर्टी व्हीकल चाहिए. पर फिलहाल टोयोटा की तरफ से कुछ ऑफरिंग नहीं है इस सेगमेंट में. तो टोयोटा जो इंडिया में लाने वाला है वो एक न्यू ऑल्टिस है कि देखेंगे आप इसको तो बोलेंगे बहुत अट्रैक्टिव लिखती है. काफ़ी अच्छे स्लीक लुक दिया हुआ है. फ्रंट में ग्रिल पतली सी है, साथ में इसको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, डे टाइम रनिंग एलईडीज आते हैं और फ्रंट जो है बहुत अग्रेसिव है इस गाड़ी का. जब आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल नोटिस करेंगे, यहाँ आप नोटिस करेंगे 17 इंच के व्हील्स आते हैं इसको. काफ़ी बढ़िया दिखती है गाड़ी. और टोयोटा का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट ऑल्टिस टू सेकेंड और अब ये थर्ड, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ट्रांजिशन है और गाड़ी काफ़ी अग्रेसिव लग रही है पहले से ज़्यादा. तो जो नई वाली करोला है, जो करंट वाली करोला है इंडियन मार्केट में, वो दिखने में बहुत अच्छी है. उसका इंटीरियर्स थोड़े डल थे पर ये गाड़ी के एक्सटीरियर तो बहुत उससे भी बेहतर लग रहे हैं. और अब लग रहा है कि टोयोटा पता नहीं क्या बना रहा है, स्पेस क्राफ्ट क्या बनाना क्या चाहता है. एकदम स्पेस एज टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी लग रही है दिखने में. वहीं पे इस गाड़ी का रियर भी बहुत अट्रैक्टिव है एंड अपीलिंग है. मेरी राय ये है टोयोटा अगर आप देख रहे हो हमारा वीडियो और सुन रहे हो तो वो लेवन का जो डिज़ाइन है ना वो इंडिया में लेके आओ, तब मज़ा आएगा. दैट थिंग लुक्स फैबुलस और मेरे हिसाब से वो गाड़ी तहलका मचा सकती है. नॉट टू अ ग्रेट एक्सटेंट क्योंकि वो जो सेगमेंट है वो काफ़ी डाइल्यूट हो गया है, बट दैट्स अ गुड ऑप्शन टू लुक एट इंडियन कार मार्केट के लिए. अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इंटीरियर. अब इंटीरियर भी चाइनीज मार्केट के लिए अलग है, इंडियन मार्केट के लिए अलग रहेगा. एक्चुअली ग्लोबल मार्केट के लिए एक इंटीरियर और एक चाइनीज मार्केट के लिए इंटीरियर है. तो इसको अच्छा सा बहुत बढ़िया सा सिंप्लीफाइड डैशबोर्ड दिया हुआ है. एक बड़ी सी टच स्क्रीन सिस्टम दी हुई है जिसमें सब मिलता है आपको, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जो बोलो सब मिल जाएगा. रिवर्स पार्किंग कैमरा और एकदम नीटली इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड है. जैसे आपने टोयोटा प्रायस देखा एकदम क्लीन डैशबोर्ड, वैसा कुछ किया है इस बार. और इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो टच स्क्रीन सिस्टम पे वो भद्दा सा वो कंट्रोल्स नहीं दिए जाए जो बहुत ही बेकार दिखने वाले ग्राफिक्स देते हैं, वो इस बार टोयोटा अवॉइड करे आई एम होपिंग. क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हमेशा से अच्छी थी, अभी भी अच्छी रहेगी. स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ लुक्स और कार एकदम अपीलिंग लग रही है. अब अगर आप डायमेंशंस की बात कर लें ना, जो नई करोला आ रही है और जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडिया में करोला बिक रही है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है. तो अगर आप दोनों साइड में खड़े करेंगे तो आपको ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा दोनों में. ये गाड़ी की कीमत क्या होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इस गाड़ी की कीमत चालू होनी चाहिए 15 लाख रुपये से 22 लाख रुपये तक. और ये गाड़ी में आपको आएगा 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन विथ 6-speed मैनुअल एंड CVT. और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि इस बार टोयोटा डीजल नहीं लाएगा, दे विल गेट अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंस्टेड. तो जो हाइब्रिड गाड़ी आएगी दैट विल कम विद द सेम इंजन एंड हाइब्रिड मोटर, जिससे इसकी प्राइस ऑफकोर्स बढ़ जाएगी एंड इसकी माइलेज भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगी. तो मेरे हिसाब से हाइब्रिड मोटर आपको सिटी में 12 से 15 तक का एवरेज देगा, जो बहुत ही बढ़िया है फॉर अ कार ऑफ दिस साइज एंड प्राइस, जबकि पेट्रोल फ्यूल भराओगे आप इसमें. और
ओवरऑल जब आप इस गाड़ी को देखेंगे तो डीजल इंजन इसका सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था, वो अब इससे हटा दिया जाएगा। इस गाड़ी में आपको 7 एयरबैग स्टैंडर्ड आएंगे अक्रॉस द रेंज, जैसे यारिस में किया गया है। इसमें आपको सनरूफ एक्सपेक्टेड है इस बार, बट नॉट कन्फर्म्ड राइट नाउ। साथ में इसमें आपको बहुत सारे और फीचर्स आएंगे जो फिलहाल करोला में नहीं आते हैं। मैं वेंटिलेटेड सीट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें, एंड अ टच ऑफ फ्यू मोर फीचर्स जो शायद हमें और पता चले एज वी गो क्लोजर टू द लॉन्च। इसका लॉन्च होना चाहिए mid-2019, उससे पहले लॉन्च नहीं होगा। और ये गाड़ी की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो गाड़ी है बनाई गई है TNGA प्लेटफॉर्म पे, जो टोयोटा का न्यू जनरेशन प्लेटफॉर्म है। टोयोटा न्यू जनरेशन प्लेटफॉर्म बेसिकली इसको बोलते हैं, और ये शेयर किया जाएगा विद द टोयोटा प्रियस, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अब देखिए, ये लोकली बनाया जाएगा तो प्रियस भी लोकली बनाई जा सकती है। एक ये कनेक्ट है। सेकंड कनेक्ट ये है कि ये जो नई करोला आएगी ना, वो दी जाएगी मारुति को भी। तो मारुति लाएगी अपनी करोला इंडियन मार्केट में और वो डायरेक्ट टक्कर देगी दूसरी गाड़ियों को। तो मारुति की सबसे बड़ी गाड़ी इन सेडान इज सियाज, उसके ऊपर मारुति एक गाड़ी लाएगा, मारुति करोला जो भी इसका नाम रहेगा उस समय। और ये एक साल के बाद आएगी आफ्टर द टोयोटा करोला कम्स इन द मार्केट। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट टोयोटा के लिए इंपॉर्टेंट है और मारुति के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा लोकलाइजेशन किया जाएगा और इसकी क्वांटिटी पे काम किया जाएगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी अग्रेसिवली प्राइस की जाए। तो दोस्तों, ये था मेन एक्सक्लूसिव स्कूप आज के लिए। होप आपको पसंद आया हो। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं अर्टेगा का लॉन्च हमारे चैनल पर, तो What are you waiting for? अभी के अभी हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे हम आप तक सारे डिटेल्स पहुँचाते हैं सबसे पहले। तो 21 तारीख को, विच इज़ टुडे, आपको मिल गया है या मिल रहा होगा अर्टिगा का डिटेल्ड वॉक अराउंड। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे हमारा लाइव सेशन होगा और उसके बाद वॉक अराउंड होगा ऑफ द अर्टिगा। टेक केयर गाइज, ड्राइव सेफ, मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।